और दिल्ली सरकार ही सब कुछ करवा रही है उस पर आप बचा। तो बताए ना कहाँ कहाँ रोंगियां क्यों रख रखे हैं, केंद्र सरकार ने क्यों रखे हुए हैं, बीजेपी ने क्यों छिपा रखे हैं, किसने छिपा रखे हैं, और फिर पीछे से मीटिंग करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया को इस वक्त सुन रहे थे जहां पे वो पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे। दिल्ली में आजकल नया मसला रोहिंग्या के मसले को लेकर आ चुका है, जहां केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी में ठन चुके हैं, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है और दोनों का आरोप एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो रोहिंग्या पर आप वर्सेस इस वक्त केंद्र सरकार इसलिए है क्योंकि घमासान छिड़ चुका है। कल एक बकायदा ट्वीट आता है, ट्वीट के बाद क्लेरिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से, और जो आरोप आम आदमी पार्टी के हैं उसे सिरे से खारिज किया जा रहा है। और कल एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी बकायदा ट्वीट भी किया, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि इस पे सस्पेंस क्रिएट करने। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी में ये तकरार हो, इस तरीके से माहौल बना हुआ हो, ये पहली दफा नहीं है। मनीष सिसोदिया हो या इसके पहले दिल्ली के सीएम हो, एक एक करके सवाल उठाते रहे हैं रोहिंग्या के मसले पर। सरकार संजीदा है, मैं सरकार मतलब केंद्र सरकार की बात कर रही हूं, केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो उसमें शरणार्थी हो, जो मदद मांग रहे हैं, जो म्यांमार जैसे देशों से आए हुए हैं, उनकी अलग से पहचान करके उन्हें अलग घर मुहैया कराना है। लेकिन जिनके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, जो फर्जी तरीके से हमारे देश में घुस चुके हैं, उनको लेकर सरकार का रवैया, सरकार का रुख बहुत ही कड़ा है। तो सवाल ये कि रोहिंग्या पर मेहरबानी क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम भी है और चुभता हुआ सवाल भी है। यही सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान मीडिया कर्मियों ने पूछे, हालांकि इस बीच उन्होंने इस सवाल का बहुत क्लियर जवाब नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर रोहिंग्या से इतना लगाव, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों दिखाई जा रही है, और ये बीते दो दिनों से जो ये पूरा बवाल इस पूरे मसले को लेकर छिड़ा हुआ है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि कौन रोहिंग्या को सपोर्ट कर रहा है।